मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल और ये है हानायामा द लेजेंड ऑफ इनविंसिबल फिस्ट का एपिसोड नंबर 14। तो एपिसोड नंबर 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली ग्रैंड मास्टर और हानायामा आमने सामने आ चुके होते हैं और हानायामा मौके को देख कर थोड़ा सीरियस भी होने लगता है। अब यहाँ पर जो है ग्रैंड मास्टर टॉन्ट मार रहा होता है हानायामा को कि तुम्हारी काइंडनेस ही तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन तभी हम देखते हैं हानायामा थोड़ा सा सीरियस होते हुए एक पंच लोड कर लेता है। यहाँ पर जो है हानायामा बढ़िया से स्टैंस में खड़ा हो गया होता है एक बहुत ही पावर पैक पंच के लिए, लेकिन फिर भी वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। ग्रैंड मास्टर लगातार उसे टॉन्ट मार रहा होता है उसकी काइंडनेस के बारे में, लेकिन तभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है और हानायामा बूम से एक पंच मार ही देता है ग्रैंड मास्टर को। इस पंच के बाद जो है ग्रैंड मास्टर एकदम मूंगफली के दाने की तरह यहाँ वहाँ टकराते हुए दीवार से टकराता है, जिसके बाद वो दीवार टूट जाता है और वो उसके पार गिर जाता है और उसके बाद हानायामा भी धीरे धीरे करके उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ग्रैंड मास्टर उठता है और वही वाली चुटकी बजा देता है और यहाँ पर होता ही वैसा है, हानायामा के ब्रेन सेल्स पर वो असर कर देता है और हानायामा एक इमेजिनरी दुनिया में फाइनली पहुंच ही जाता है। हानायामा मामले को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी हम देखते हैं उसके सामने उसकी मदर खड़ी होती है। खुद हानायामा भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। हानायामा की मदर की डेथ जो है 5 साल पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सब जो हानायामा देख रहा है वो महज एक इमेजिनेशन है, उसके ब्रेन का खेल है। तभी हमें ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि इंसानों के इमेजिनेशन में कितनी ज्यादा पावर होती है। वो हमें एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस तरह से एक इंसान का बहुत पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उसके दोनों पैर चले गए थे, लेकिन वो डॉक्टर से कह रहा था प्लीज मुझे कुछ ओढ़ा दो, मुझे मेरे पैरों में ठंड लग रही है। ये सब जो है महज उसका एक इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन की पावर से उसके पैर वहीं पर है, उसे ऐसा फील हो रहा था। वैसे ही ये इमेजिनेशन ही है हानायामा का कि वो अपनी 5 साल पहले मरी हुई मदर को अपने सामने ले आया है। खैर यहाँ पर जो है ये सब चल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर जो है हानायामा से थोड़ी दूर जाकर अपना पोजीशन ले लेता है और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि हानायामा के इमेजिनेशन में उसकी मदर जो है उंगली से मारने के लिए उसकी तरफ उंगलियां बढ़ा रही होती है। तभी यहाँ पर बहुत जोर से ग्रैंड मास्टर भी छलांग लगाता है और हम देखते हैं कि उसकी मदर उसे उंगली से मारती है और दूसरी तरफ बहुत कस के मुक्का मार दिया होता है हानायामा को यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने, जिसके बाद हानायामा बहुत दूर जाकर बहुत जोर से गिरता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल है ग्रैंड मास्टर की वो हानायामा के ऊपर भारी पड़ने लगा है। और तभी हम देखते हैं गॉड फादर मामू जो होते हैं किसी से मिलने को गए होते हैं और वो और कोई नहीं यानागी के टीचर होते हैं, वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं, उनकी एक खास मीटिंग है। खैर यहाँ पर मीटिंग शुरू हुई ही होती है ऑफिस में, तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो गॉडफादर मामू होते हैं वो बहुत सारे पैसे ऑफर कर देते हैं यानागी के टीचर को और कहने लगते हैं एक बंदा है जिसने मरे नाक में दम कर रखो है, उसको उड़ा दे। ये रही वो बंदेरी फोटो और हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर की तस्वीर। यहाँ पर जो है ग्रैंड मास्टर को मरवाने के लिए सबसे बेस्ट असैसिन को ढूंढते हुए आ गए हैं गॉडफादर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की तस्वीर देखकर यानागी के जो टीचर होते हैं वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। और हाँ आपको याद से बता दूं कि हानायामा के जो गन्ना रस का बिल है वो एमडी रासेल ने दे दिया है, तो इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी चलता हूँ गन्ना रस पीने क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।